अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आप सबके साथ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूँगी। मैंने भी इस रेसिपी को फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला इस रेसिपी का, तो मैंने सोचा क्यों ना ये स्टेप बाय स्टेप रेसिपी आप सबके साथ भी शेयर की जाए। तो चलते हैं व्यूअर्स हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ और बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई। सबसे पहले हम पैन में ऑयल गरम करेंगे और उसके बाद उसमें वॉश किया हुआ चिकन शामिल करेंगे। मीडियम टू स्लो फ्लेम पे हम चिकन को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब चिकन का कलर चेंज होना शुरू होगा तब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम नमक शामिल करेंगे और चिकन को 2 से 3 दफ़ा मिक्स करेंगे। अब हम इसमें जिंजर और गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे। उसके बाद हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं कटी हुई, वो शामिल कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें मोटी लाल मिर्च कुटी हुई, वो शामिल कर देंगे और उसके बाद ज़ीरा कुटा हुआ और सूखा धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर शामिल करके इन तमाम स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हाफ कट टोमेटोज़ हैं, हम इन टोमेटोज़ को चिकन के ऊपर रखेंगे। साथ में आधा कप गर्म पानी शामिल करेंगे और इसको ऊपर से कवर करके 5 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पे जो टोमेटोज़ हैं उनकी स्किन बड़ी सॉफ्ट हो चुकी है, हम ऊपर से टोमेटोज़ की स्किन को रिमूव कर देंगे और जब तक चिकन का पानी ड्राई होगा तब तक हम इन टोमेटोज़ को चिकन में मिक्स करते हुए पकाएंगे और इनका पानी ड्राई कर लेंगे। चिकन को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसमें फ्रेश दही शामिल करेंगे और उसको भी चिकन में अच्छी तरह मिक्स करते हुए भून लेंगे। लाइटली हैंड से ऐसे चिकन को हिलाते रहेंगे ताकि सालन जो है वो बर्न नहीं होने पाए और चिकन का पानी भी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। अब हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर शामिल करेंगे और उसके साथ में गरम मसाला शामिल करेंगे और इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे चिकन का पानी वो बड़े अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और ग्रेवी सी बन चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उसके बाद हम अपनी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई को सर्व करने के लिए रेडी करेंगे। हम रेस्टोरेंट स्टाइल जो कढ़ाई होती है उसमें हल्का सा बटर डालेंगे, उसके बाद जो हमने चिकन कढ़ाई बनाई थी उसको उस कढ़ाई में डाल के एक दफ़ा मिक्स करेंगे। अब हम इस पे टॉपिंग्स करेंगे। हमारे पास यहाँ पे कुछ फ्रेश हरी मिर्चें हैं वो डालेंगे, थोड़े से जिंजर स्लाइसेस हैं वो इसकी टॉपिंग पे डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया फ्रेश वो डाल देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी होममेड रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है, बहुत मज़ेदार और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट। तो व्यूअर्स हम इसे रेस्टोरेंट स्टाइल में ही सर्व करेंगे, उसके बाद हम टेस्ट भी करेंगे और बताएंगे कि हमारी आज की ये रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई कैसी बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट बहुत अच्छा था और जो चिकन था वो बड़ा टेंडर और बहुत लाइट मसाले और झटपट तैयार होने वाली ये चिकन कढ़ाई की रेसिपी जो मैंने आप सबके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये होममेड रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप सब मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।